तो क्यों नहीं यहां से मन करते? संतों की बात आज यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका है, ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता है, बीमार होता, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं माना, अब सॉरी। सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी सॉरी, जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चाहे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहां सुमन कर लो, छोड़ दो हेंकड़ियां, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चलाक, वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है, किसी के कहने से किसी के बताने से नहीं होता, वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर, अंदर लगे हैं बाहर नहीं, आप जो सोचते हो वो भी उसके वहाँ पहुँच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है, और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है, जो आप करते हो करने की सोचते हो वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है, जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, और जब उस सोच गंदी सोच को छोड़ देते हो वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है, कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे, ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए कितनी बुलंदियों पे होगा वो, आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो उसका वहां रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं संतों की, फकीरों की, विचारों की सुन लेते हैं, फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई, मान ले, परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूँ, तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती, जो जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया, और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए आप हमारी कोई सीडी देखते, तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज़ की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते, बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फ़र्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुकरेगा कैसे, ये वीडियो ही ऐसी है, ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाइए, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरा मैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है, कब उतार चढ़ाव आता है उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहाँ मौजूद हैं। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता, वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं, लिफाफा कितना सुंदर है कितना बद्धा है,